हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। तो आई होप दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम ले चलते हैं आप लोगों को हमारे बचपन के गांव में, वो गांव जहां पे हमने बचपन गुजारा है और हमारे पापा ने भी वहां पे बचपन गुजारा है। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं वहां पे और आप लोगों को वो गाँव अच्छे तरीके से विजिट कराने वाले हैं। तो जी दोस्तों, हम अभी पहुँच गए हैं हमारे बचपन के गाँव में। तो आप लोगों को वो गाँव विजिट कराते हैं। तो ये गली है, ये दूर दूर तक गली जाती है ये, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है देखें, यहाँ पे भी ये घर है, हमारे हिंदू कम्युनिटी के घर हैं, तो कच्चे घर हैं। तो ये गली जा रही है और इसी गली में ही हमारा जो गांव था, हम लोगों ने बचपन जो गुजारा है, यानी हमारे पापा ने भी यहीं पे बचपन गुजारा है। तो अभी हमारे पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो घर दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत ही यादें जुड़ी हुई है, हमने बचपन गुजारा है, हमने यहीं पे छोटे पले बड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे हिंदुओं के घर, ये जो देख रहे हैं ना लाइन से ये गली जा रही है, और ये जो है घर हम लोगों का, ये है घर। तो यहाँ पे और हमारे हिंदू कम्युनिटी के भाई रहते हैं इस जगह में, तो उनसे भी मिलवाते हैं। तो राम राम भैया। राम राम, कैसे हैं? ठीक। आपका नाम भैया? हरिया जी। हरिया जी, तो ये कबूतर रखे हुए हैं भैया आपने? जी हाँ। तो दिखाएं ज़रा कबूतर, दरवाज़ा खोल ले, खोल के दिखाएंगे या निकल जाएंगे बाहर? दरवाज़ा निकल जाएंगे बाहर, दिखा लेंगे। तो भैया हम लोग देखें दोस्तों, ये भाई के कबूतर रखे हुए हैं। तो भैया ये उड़ाते हैं आप, है ना? जी हाँ। तो देखें भैया, बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ही खूबसूरत कबूतर हैं। देखें, ये शौक़ है आपका, है ना भाई? जी हाँ, ये शौक़। तो काफ़ी अच्छा शौक़ है, काफ़ी अच्छे कबूतर रखे हुए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये पूरा खोखा जिसको बोलते हैं, वो खोखा पूरा कबूतरों का ये। तो भैया ये जो जगह है, हमें दिखा सकते हैं आप? देख सकते हैं। हमने भी बचपन यहीं इस जगह में गुजारा है, ये यानी फैमिली आज से 20 साल पहले हम लोग यहाँ पे रहते थे। और यानी तो ये दोस्तों देखें, ये दरवाज़ा भी उसी ज़माने का लगा हुआ है जिस ज़माने में मैं छोटा सा था। और दोस्तों एक है ना, मेरी सेल्फी इसी जगह पे मैंने ना खड़ा होकर, जो मेरे बहन भाई हैं उनके साथ में एक फ़ोटो भी ली थी इसी जगह पर। ये जगह देख सकते हैं, इसी जगह पर पीछे है ना, बैकग्राउंड अच्छा करके लगा के ना, कपड़ा वगैरह, तो यहाँ पर खड़ा होकर मैंने तस्वीर ली थी। वो हमारे घर में अभी तक भी पड़ी हुई है। तो ये दरवाज़ा देखें, अभी तो इसके जो है, यहाँ के जो दरवाज़े होते हैं वो अभी नहीं हैं, अभी टूट गए हैं। वो दरवाज़ा भी उसी ज़मानों का लगा हुआ है जब हम लोग रहते थे वहाँ यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर ना एक नल था, नल का हेडपम्प, जिस पे हम लोग पानी भरा करते थे, यहाँ पर था। तो भाई वो टूटा कर दिया आप लोगों ने हेडपम्प? टूट गया। टूट गया है? टूट गया। तो ये जानवर किसके हैं? ये जानवर आदल दे। अपने आपके अपने ही हैं? अपने नहीं है गे। हाँ, आदल पे लिए हुए हैं। आदल पे लिए हुए। तो दोस्तों ये जानवर ना ज़मींदारों से लिए हुए हैं, ये बड़े बड़े करके ना, तो आधा आधा हिस्सा करेंगे ये, सही ना? छोटे छोटे होते हैं तो लेके आते हैं, फिर बड़े करके देते हैं, तो इनको आधा आधा हिस्सा मिलता है। तो ऐसा चलता है यहाँ पर। तो ये क्या है भैया? ये क्या मंदिर है? पूजा करते हो? पूजा करते हो? इसमें क्या तस्वीर वगैरह भी है? तो दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को मंदिर भाइयों का। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और इसकी पूजा करते हो? पूजा करते हो ना? ये किस भगवान का मंदिर है? हनुमान का। हनुमान जी का। तो दोस्तों ये हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पे देखें काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, और फोटो थोड़ी छोटी लगी हुई है। तो यहाँ पे ये क्या है? घोड़ा भी है? घोड़ा भी है। तो दोस्तों ये है घोड़ा रामापीर का। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, तो हम भी माथा टेक लेते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर के आगे, तो दोस्तों ये पकड़ना थोड़ा सा। तो दोस्तों ये बजरंग बली कर भली तो हो भली। तो दोस्तों ये मंदिर है ना, तो हमने भी अभी माथा टेक लिया है। तो ये क्या है भैया हाथ में लेके घूम रहे हैं आप? ये लंबा चाहिए दोनों पैक है। हाँ, ये कोई जंत्री वगैरह, ये देखे ना, भगवान हनुमान और माता शेरावाली का, और ये यानी यात्री जो जाते हैं ना बसों पे हिंगलाज माता पे, उसी का ये पोस्टर है। तो आगे का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये है बैठने के लिए छपरा, हम लोग इसको छपरा बोलते हैं।
छतरी छपरा बना हुआ है। देखें दोस्तों, इसमें चारपाई भी रखी हुई है और जानवर वगैरह भी, यानी कि पशु होते हैं जो भी बंधे हुए हैं, बकरा है। और ये इस तरीके से देखें, दीवार बनाई हुई है किस्म की है। तो ये हैं दोस्तों बर्तन, और ये है छोटा सा किचन, और यहाँ पर खाना बनता है। और दोस्तों मज़े की बात ये है कि ये देखें पानी, देखें ठंडा कैसे हो रहा है। ये घड़े हैं, यहाँ पर भर के रखते हैं छाया में और ठंडा हो जाता है पानी। और तो दोस्तों ये जब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे ना, तो ये जो कमरा है, ये कमरा उसी वक्त का बना हुआ है। इसको तकरीबन कितने साल हो गए होंगे, 40 से 45 साल तो हो गए होंगे इस कमरे को। और ये जो है दोबारा तोड़कर नया बनाया गया है। तो ये उसी ज़माने का, जब हम लोगों ने यहाँ पे बचपन गुजारा था, जब हम छोटे छोटे थे, हमारे पापा ने अपने हाथों से ये बनवाया था। तो ये जो है ये दोबारा बनाया गया है नया करके। और भैया आप किस जगह पे रहते हो? इस जगह पे। तो ये उठा के घूम रहे हो? ये आपका किचन है जी? चारपाई भी आपकी है? चारपाई आपकी। और यहाँ पे जानवर, और भी हमारे हिंदू कम्युनिटी के ये घर जो हैं, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। तो दिखाएंगे आप, अंदर से दिखाएंगे अपना घर। आओ। तो ये डंडा लेके घूम रहे हैं भैया। डंडा ले लो, गरीबी लोग पे ये काम। ये चारपाई है? ये चारपाई है। और ये पेटी भी है। ये संदूक है आपकी? यहाँ संदूक है। तो भैया ये देखें दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये भाई का घर है, कमरा है छोटा सा। और ये देखें ऊपर से, देखें इसका व्यू कमरे का। और इस साइड में ये भैया आधा साइड में तो पूरी छत भी नहीं है यार। गरीब है हम, क्या कर सकते हैं। गरीब की हालत है। वक्त लगाते हूँ, वक्त टाइम पास कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हो। तो भैया थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके तो यहाँ पे छत दिलवा लो यार। करने हो कुछ, झोपड़ी वगैरह भी कुछ लगा लेंगे ना। तो ये देखें ना आपकी पेटी भी, यहाँ से देखें दोस्तों, ये आसमान नजर रहा है। और ये देखें पेटी पड़ी हुई है। तो ये बारिश आएगी तो ये तो नहीं बचेगी, पानी तो आएगा अंदर। छापर रख देते हैं, छापर डाल देते हैं, छापर डाल देते हैं। तो छोटी थोड़ी बहुत ही लकड़ियाँ और इकट्ठी करके यहाँ पर ऊपर दे के आप बना सकते हैं छोटा सा एक झोपड़ा। लकड़ियाँ हाँ भाई, क्यों कहने का मतलब ये है कि जब लकड़ियाँ मिलेंगी तो कर सकते हैं ये भी, है ना। ये मिल गया तो फिर कर सकते हैं। इसमें क्या है दोस्त? इसमें आटा है, रोटियाँ, खाना बनाने के लिए, खाना खा रहे हैं, रोटियाँ मोटियाँ बनाने के लिए। ये आगे से हटाएं थोड़ा सा, ये इसमें आटा रखा हुआ है, इसमें आटा रखा है। और ये चार भाई, ये तुम्हारा अपना घर है ना? ये हमारा है। तो इस तरीके से तो दोस्तों इसका घर है। तो इसका दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है यार, दरवाज़ा नहीं है। तो दोस्तों ये देखें कितनी, इस हमारे भाई की कितनी हालत, यानी कि गरीब टाइप की है। तो इसके तो भाई भी हमारे, देख सकते हैं आप लोग। आपके कितने बच्चे हैं? कोई भी नहीं है अभी, अभी तक कुछ बचा नहीं है। कोई भी नहीं। शादीशुदा तो है ना? शादीशुदा है। कितने साल हो गए शादी को? 1.5 साल, 2 साल। 2 साल हो गए। हाँ। और आप काम काज क्या करते हैं? काम काज वाले, नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हो? हाँ। किस चीज़ की? किस यानी? जानवर की। जानवरों की? घास पाते हैं, जानवरों को चारा डालते हैं। डाला था। तो आपको महीने का कितना मिलता है? महीने का 9,000। 9,000 आपका गुजारा हो जाता है? 9,000 में गुजारा ओखा ही होता है, बस कर लेते हैं। हाँ, टाइम पास कर लेते वक्त निभाते हैं। चलो सही है। तो दोस्तों देखिए आपने हमारे भाई की हालत, तो वो नौकरी करते हैं। और ये बकरी घूम रही है। और ये दोस्तों हमारा बचपन का घर हुआ करता था कभी। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे भाई रह रहे हैं। तो ये इस जगह में कोई और रहता है, उसमें जो है ये भाई हमारे रहते हैं, जिससे अभी हम लोगों ने, अभी हमने जिससे मिलाया आप लोगों को। तो ये गंदम वाली पेटी है ना, इसमें क्या गेहूँ रखते हैं ना, दाने? दाने इसमें दाने रखते हैं। ये बाइक, और एक यहाँ पर देखें घूम रहे हैं हमारे भाई, और भी एक। तो दोस्तों अभी देखा आप लोगों ने हमारा घर बचपन का, और यहाँ पे और भाई कोई रह रहे हैं। तो उनसे भी आप लोगों को मिलाया, और उनसे भी बातचीत भी करवाई आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये था हमारा बचपन का घर, जहाँ पर हम पापा के साथ रहा करते थे, छोटे छोटे थे, बचपन गुजारा, जन्म भी हमारा यहीं पर हुआ है।
और देख सकते हैं आप लोग ये गांव भी, और यहाँ पे सब यानी हिंदू बैठे हुए हैं, तो बहुत ही गरीब की टाइप की हालत है इन लोगों की। तो हम लोग तो यहाँ से गए हुए 20 साल हो चुके हैं तकरीबन, तो ये है हम लोगों का बचपन यहाँ पे गुजारा है। तो दोस्तों बहुत सी यादें जुड़ी हुई है इन गाँव से, और बहुत ही हम लोगों ने यहाँ पे बहुत काम किए, बहुत यानी कि हमारे पापा ने भी यहीं पे काम किए, तो याद आती है ना अक्सर यार।